अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज कैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुर्रम शहराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और विजिटिंग लेक्चरर हैं जिसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के ऊपर, क्योंकि ब्रेकअप जो है हमारे यंगस्टर्स को जो है एक ऐसे रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है जिसकी वजह से उनके जो लाइफ के गोल्स हैं वो गोल्स जो हैं खत्म हो जाते हैं और जिनकी वजह से जो है उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आए मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाए जी। मैं भी ठीक ठाक। सर आजकल जो है बहुत सारे हमें अक्सर ऐसे नौजवान नजर आते हैं या हमें अक्सर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि ब्रेकअप की वजह से जो है किसी ने कुछ कर लिया, ये हो गया वो हो गया, मुख्य तरह के जो है अक्सर हादसात भी ऐसे हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ब्रेकअप इशू के बारे में? पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो फैमिली रोल है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जैसे कि अगर एक बच्चा उसकी शख्सियत इस तरीके से वो डिवेलप हुई हो कि उसकी फैमिली में उसे प्यार मोहब्बत ना मिला हुआ हो या वो डिपेंडेंट रहा हो, तो वो इस तरह की जब हालात में से गुजरता है, माँ बाप जो है उसे बहुत सख्ती के साथ जो है वो ट्रीट करते रहे हों, तो वो एक ऐसी शख्सियत पर वान चढ़ना शुरू हो जाती है जो कि दूसरों में माँ बाप का प्यार ढूंढना शुरू कर देती है। मोस्टली वही वाले लोग होते हैं जिनका बचपन जो है वो ज़्यादातर इस तरीके से परवान चढ़ा हो कि उन्हें माँ बाप का प्यार नहीं सही तरीके से मिला या माँ बाप ने बहुत सख्ती के साथ डांट डपट के साथ उनकी जो शख्सियत उसको परवान चढ़ाया हो, उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती, वो जिंदगी को एक बेमकसद जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जैसे ही अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिलता है तो उसका जो इस्तेमाल है वो मनफी तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो वही लोग अपने अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो हम कहते हैं, तो दूसरों में वो माँ बाप का प्यार तलाश करते करते बहुत सी ऐसे जो रुकावटें होती हैं उनको दूर कर देते हैं जो कि हमारे मजहब ने हमारे ऊपर लगाई होती हैं, और वो उन सारी रुकावटों को एक साइड पर रख के हमारी नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज, उन सारी चीज़ों को बुला के उस लफ में उस मोहब्बत को हासिल करने में लग जाते हैं। अब मोहब्बत जो है ये किसी की दी हुई चीज़ नहीं बल्कि कुदरत की वतीरा है, कुदरत की तरफ से मिली जाती है। लोग अपने इमोशंस को भी मोहब्बत का नाम दे देते हैं। जैसे कि एक लड़का या एक लड़की जो कि जिन्हें मोहब्बत नहीं मिली होती, वो मोहब्बत जब दूसरों में तलाश करते हैं तो वो उनमें वो ही वाली चीज़ें कि ये मुझे वो इज्जत दे या ये मुझे उस तरह से प्यार मोहब्बत करे जिस तरह से कभी मेरे माँ बाप को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, तो वो अपने माँ बाप से भी अव्वल उन लोगों को रखना शुरू कर देते हैं जिनके साथ वो मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत का जो नतीजा है वो हमेशा मुस्बत नहीं निकलता। जहाँ हम कहते हैं कि मोहब्बत से कुछ सुकून मिलता है, बहुत से यंगस्टर से बात होती है तो वो कहते हैं कि जी आजकल जिंदगी बहुत खुश मिजाज गुजर रही है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें आरजी हैं। जैसे ही हम एक दूसरे को ज़्यादा जानने की कोशिश में पड़ जाते हैं तो हमसे वो उनकी हकीकत बर्दाश्त नहीं होती। जैसे कि मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जो कहते हैं ना मेरी शख्सियत ऐसे है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता हूँ, इसी तरह अगर उनके सामने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे तो उनमें हौसला नहीं होता उस चीज़ को बर्दाश्त करने। इसी तरह चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, गलत तो ये भी है माँ बाप के साथ जो जिन्होंने इतना पढ़ाने के लिए भेजा होता है या पढ़ने के लिए भेजा होता है, ये उन गलत उनके साथ भी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके नज़दीक ये काम ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बंदा लड़का या लड़की किसी दूसरे लड़के या लड़की से बात करता है तो उनमें वहम जन्म लेना शुरू कर देते हैं कि यही बड़ी बातें जो इस तरह ही उसने इब्तदा में मेरे साथ बात करना शुरू की थी, फिर मुझे अपना दोस्त बना लिया और दोस्त से भी हम इतने करीब हो गए कि जी जिस्मानी रिलेशनशिप तक बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, जहां से छोड़ना एक समझने के इस तरह होता है कि जिस तरह आप किसी की ज़िंदगी को छीन रहे होते हो। तो इसमें बहुत से हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जो हम बहुत से लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं,
बहुत से लोग अपने की मकसद से हट जाते हैं, पढ़ने के लिए आए होते हैं, गोल कुछ और बना के आए होते हैं, लेकिन उनका गोल जो है वो लव की वजह से खत्म हो जाता है। उनके सिर्फ एक ही दिन में होता है कि जी ना उन्हें जीपीए से कंसर्न होता है, उन्हें बस यही होता है कि ये बस मुझे मिल जाए। लेकिन इस जुस्तजू में वो बहुत से अपने जो करीबी रिश्ते हैं उनको पीछे छोड़ के आ चुके होते हैं, वो इतना आगे गुजर चुके होते हैं इस रिश्ते में कि वापसी नामुमकिन नजर आना शुरू हो जाती है। एक वक्त आता है कि फिर ऐसे लोग जो हैं वो ना तो अपने हकीकी गोल को हासिल कर पाते और ना ये जो आर्टिफिशियल मैं से कहूँगा कि गोल है ना इसको हासिल कर पाते हैं। जो अपने वालिदैन के साथ संशयन नहीं हो सकता ना वो किसी के साथ संशयन नहीं हो सकता। तो वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो संशयन नहीं है तो वो आपके साथ कैसे संशयन हो सकता है? क्या दो तीन बातें कर लेना ये मोहब्बत? मोहब्बत इस चीज का नाम है, मोहब्बत कोई कारोबार नहीं। मोहब्बत ये नहीं है कि जी अगर आप कुछ दोगे तो कुछ लोगे। मोहब्बत अगर ना भी मिले ना तो मोहब्बत का एहतराम हो। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं जिसको मोहब्बत नहीं मिलती तो क्या करता है? दूसरों की किरदार कशी करना शुरू कर देता है, इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, वो ऐसी है वो ऐसा है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। अब मैं अगर कहूँ कि ये नफरत है, नहीं ये नफरत नहीं है, ये शायद लड़का या लड़की ये सारे अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने जो रिलेशनशिप है उसके दरमियान में एक दीवार बनाते हैं कि अब चाह के भी हम दूसरे बंदे की बातों पे यकीन ना करें और ना ही वो चाह के दोबारा हमारी तरफ वापस आ। इस जुस्तजू में हम अपनी मोहब्बत को नेगेटिव वे में जो है वो शो आउट करवाना शुरू कर देते हैं, उनकी किरदार कशी करके कि जी ये मेरे साथ है, ये मेरे पास तस्वीर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो असल में ये इसलिए कर रहे होते हैं ताकि दोबारा से वो धोखा ना करें, दोबारा से वो वापसी का रास्ता बंद कर देते हैं, अपने हाथों से बंद करते हैं। एक वो मोहब्बत थी जब शुरू में वो सारे माँ बाप को पीछे छोड़ा है और अब इसी मोहब्बत के लिए छोड़ा था, आज इसी मोहब्बत को खत्म करने के लिए दीवार बनाना शुरू कर दी। और ये दीवार इतनी मजबूत होती है जब इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर कोई चाह के भी वापस नहीं आता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी एक बहुत फनी बात है, मैं वो इधर करना जरूर चाहता हूँ जी जी, कि मोहब्बत जो है ना महबूब को हमेशा जो है औकात में रखना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। औकात में रहेगा तो कई मसले हल हो जाएंगे, जब आप उसको दिल में रख लेंगे ना तो आप अपने लिए परेशानियां खरीदना शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छा आपने जो है इस चीज को कवर किया। एक और चीज, ब्रेकअप की वजह से जो अब नुकसानात उनको फेस करना पड़ते हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो क्या कहना चाहेंगे कि ब्रेकअप के बाद भी कोई जिंदगी है या नहीं है उनके लिए? अक्सर कह देते हैं कि जिंदगी हमारी खत्म हो गई है, यही जिंदगी थी और हमने जो है अब कुछ गलत फैसले ले लेते हैं लोग, तो क्या कहना चाहेंगे? और फिर कहीं ना लाशोर में वो चीजें तो जरूर फिक्स हो जाती है, जब भी कोई उससे मिलता जुलते कोई बात हो जाए या उस टॉपिक पे बात हो जाए लास्ट से, तो आपको अपनी सारी पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती है। वो कूदते कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत को अफेक्ट जरूर कर रही होती है, लेकिन ये भी ये नामुमकिन नहीं है कि एक बंदा अगर उसे वाकई ही वो बदल गया है तो वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी हमें एक सबक दे के जाती है और सबसे बेहतरीन सबक जो है ना वो वक्त देता है, और वक्त ने हमें सबक दिया, हमें उसे सीखना चाहिए और आगे अपनी जिंदगी को बेचारे इसके के खत्म करें बल्कि एक पॉजिटिव वे में उसका स्टार्ट करना चाहिए कि शायद एक मैंने फैसला किया था कि जी मैं इस बंदे को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, तो वो इतना फैसला अच्छा नहीं था। एक अब अल्लाह ताला फैसला कर रहे हो और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, अल्लाह ताला के किए हुए फैसले इंसानों के किए हुए फैसलों से कई हद तक बेहतर होते हैं। तो इंसान को इस पॉजिटिविटी के साथ, इस अकीदे के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहिए।
थैंक यू खुर्रम शहराज, आपने बहुत अच्छी बात की है। जाहिर सी बात है, जब कोई एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह की जात जो है मुख्तलिफ रास्ते खोल देती हैं। अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो उसे हरगिज़ ये नहीं चाहिए कि वो जो है जिंदगी को बड़े से बड़ा फैसला बहुत आसानी से कर लिए, बल्कि उसे चाहिए कि वो मुख्तलिफ जो है और रास्ते तलाश करें। ज़रूरी नहीं कि ये जो आपके साथ हुआ ये आपके साथ बुरा हुआ, मे भी हो सकता है वो अच्छा हो और अल्लाह ताला ने जो है इसमें कोई अच्छाई आपके लिए रखी हो, अच्छी ज़िंदगी का कोई मकसद हो। तो बजाय इसके आप जो है किसी गलत डायरेक्शन पे जाएं ब्रेकअप के बाद, तो आपको चाहिए कोई पॉजिटिविटी जो है अपने अंदर तलाश करें, अपनी लाइफ के लिए तलाश करें और अपने गोल को जो है न्यू आप सेट करें ताकि आप अपने न्यू गोल्स को जो है अचीव कर सकें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबान।